दोस्तों अल्टीमेट्रिक्स और ओमनीट्रिक्स में बहुत फर्क है। ओमनीट्रिक्स अपने यूजर को जिस भी एलियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, अल्टीमेट्रिक्स उस एलियन को अपने अल्टीमेट फॉर्म में ला सकता है, पर दोनों में डीएनए स्कैनिंग की एक एबिलिटी है। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ओमनीट्रिक्स अल्टीमेट एलियंस का डीएनए स्कैन कर सकता है? अगर ओमनीट्रिक्स अल्टीमेट एलियंस का डीएनए स्कैन कर सकता है तो वह अपने यूजर को उस अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो फिर ओमनीट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि ओमनीट्रिक्स अल्टीमेट एलियंस का डीएनए स्कैन नहीं कर सकता है, पर बेंटेन अल्टीमेट एलियन में अल्टीमेट्रिक्स में एक गड़बड़ी हो जाने के कारण अल्टीमेट्रिक्स के कुछ अल्टीमेट फॉर्म्स ने खुद का एक पर्सनैलिटी डेवलप कर लिया था। बेन के अल्टीमेट सैक्रिफाइस के बाद वो अल्टीमेट्स अल्टीमेट्रिक्स से बाहर आ गए थे। तब अगर कोई ओमनीट्रिक्स वहाँ मौजूद होता तो क्या वो इन अल्टीमेट्स का डीएनए स्कैन कर पाता? इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेट फॉर्म्स आर्टिफिशियल है। हालांकि इन्होंने अपना एक पर्सनालिटी डेवलप कर लिया था, पर इन लोगों को जिंदा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इन लोगों का कोई स्पेसिस नहीं है, ना ही इनका कोई होम वर्ल्ड है। इन्हें अल्टीमेट्रिक्स ने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। अगर कोई भी एक रोबोट के अंदर फीलिंग्स आ जाए तो क्या उसे जिंदा माना जाएगा? नहीं ना। इस तरह ये लोगों को भी जिंदा नहीं माना जा सकता है, इसीलिए कोई भी ओमनीट्रिक्स इन अल्टीमेट्स का डीएनए स्कैन नहीं कर सकता है। पर आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट टाइम।